ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जल्दी जल्दी फॉर्मूले, अगर ये x टू द पावर ऑफ n, ये एक फंक्शन साइंटिस्ट लोगों ने बना के रखा है, इस तरह का कोई फंक्शन होता है, उसका अगर आंसर निकालना होगा तो इस तरह निकालेंगे, ठीक है। हाँ चलो, और 1 2 3 अगर समझो ना, मेरे पास एक कॉन्स्टेंट है k, और उसके साथ एक फंक्शन लगा हुआ है, और अगर उसका मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो मेरा k आ जाता है बाहर, और जो फंक्शन है उसके साथ डिफ्रेंशिएशन, ठीक, ये ध्यान में रखना, इतने बेसिक्स पता होना चाहिए। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, अब मेरा साइन ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन साइन थीटा, चलो साइन ऑफ एक्स, ठीक है साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स है तो मैं इसको एक्स के साथ चेंज कर सकता हूँ, बदल कर सकता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका चेंज का आंसर क्या था, कॉस कॉस ऑफ एक्स, राइट, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो है ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखो तो हमको लगने वाला है, इंटीग्रेशन क्या होता है, नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कैसे लिखती है, एस का साइन लिखने का, जो हमको फंक्शन लिखना है वो लिखने का, उसके बाद डीएक्स लिखने का, और यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है हमारा फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक्स टू द पावर ऑफ ये वाला फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है, इस तरह से आंसर, ये आपको नहीं को याद करना, ठीक है, ओके ये हो गया, क्या, हाँ देखो ये इसका रिवर्स होता है, देखो यहाँ पे देखो ये इसका रिवर्स होता है, समझो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन ऑफ एक्स अगर करता हूं तो मुझको आंसर क्या मिलता है, कॉस ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझको साइन ऑफ एक्स मिलना चाहिए, तो मैं कॉस ऑफ एक्स का कैसे लिखने का, जो फंक्शन लिखना है वो लिखेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है उसका, समझो एक्स वाला फंक्शन है तो यहाँ पर डीएक्स लिखेंगे, अगर यहाँ पे थीटा वाला फंक्शन होता तो यहाँ पर डी थीटा लिखते, ठीक है, समझो अगर मैं एक्स वाला फंक्शन है ये dx हो गया, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, इसको ये हो गया cos of x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा आंसर आएगा sin of x, बस एक थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं ना तो उसका जो आंसर आता है ना उसके पीछे एक कॉन्स्टेंट लिखने का प्लस सी, कॉन्स्टेंट का मतलब बताऊंगा थोड़ी देर समय, देखो यहाँ पे प्लस सी, इसका जो भी आंसर आएगा प्लस सी लिखने का, ठीक है, ओके ये समझ में आया। अब इंटीग्रेशन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जो जिस इंटीग्रेशन का हमको काम पड़ने वाला है आगे के डेरिवेशन में, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट का क्या मतलब बताऊंगा, डिक्शनरी के हिसाब से बताऊं, मैं 2 मिनट, बस 2 मिनट में लेक्चर खत्म कर दूंगा, आप में से प्लीज कोई तो भी ग्रुप में मैसेज कर दो, लेक्चर इज गोइंग ऑन, वी विल बी एंडेड इन 3 मिनट्स, ऐसा करके ये तो रहने दो। चलो मुझको एक ये मीनिंग, वर्ड का मीनिंग बताओ, डेफिनेट और इनडिफिनेट वर्ड का मीनिंग बताओ, डेफिनेट मतलब क्या होता है, जो चीज पक्की हमको पता होती है वो डेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जो हमको कोई चीज पता नहीं, इनडेफिनेट बड़ी बहुत दूर दूर की, या फिर जो चीज हमको डेफिनेट नहीं पक्की नहीं है वो हम इनडेफिनेट वो आता है, समझो अगर मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं और मुझको कितनी ऐड करनी है वो कितनी बड़ी बनेगी, अगर मैं ऐसा फाइंड करना चाहता हूँ तो वो मेरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे साइन में आने का, कोई भी वैल्यू लिखेंगे और डीएक्स लिखने का, और उसका जो आंसर आता है, समझो मेरा आंसर एक्स आया, उसके आंसर के लास्ट में सी लिखने का प्लस सी। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, मैं एस बनाता हूँ, ये एक लिमिट के बीच में फंसा हुआ होता है, डेफिनेट मतलब मुझको कोई चीज पक्की पता होती है, अगर मुझे कोई चीज पक्की पता है तो मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक ऐड करना है वो मुझको पता रहेगा, मुझको लिमिट पता होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो जो लिमिट होती है कहां से कहां तक, समझो मुझको जीरो से लेकर लेंथ एल तक उस चीज को ऐड करनी है, उस चीज को अगर जीरो से लेकर एल तक ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन है वो लिख के रखूंगा, उसके सामने डीएक्स लिखूंगा, और उसका आंसर मेरा समझो एक्स आया ना तो एक्स से आएंगे, यहाँ पर मुझको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी क्यों आया, देखो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जितने भी चीज ऐड करते हैं हो सकता है कोई ना कोई चीज छूट जाती है हमसे, है ना, हम कई सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, गलती से कोई चीज छूट गई, तो जो चीज छूट गई है उसको भी बताने के लिए प्लस एक कांस्टेंट, चलो भाई जो हमसे छूट चुका है ना वो कांस्टेंट में ऐड होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक। दिस इज द टाइप ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, अब आप लोग क्या करो, ये सब समझ चुके हो, अब पहले स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देख लेना है, इंटीग्रेशन के सिर्फ फॉर्मूले देखना है, ज्यादा नहीं है हमको, सिर्फ फॉर्मूले ऊपर ऊपर से देखना है, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये सब लेक्चर होने के बाद आराम से फॉर्मूले देखना,
ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरह से लिखते हैं वो देखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरह से लिखते हैं वो देखना, कल हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे ऑसिलेशन को लगने वाले यूज करेंगे जो भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बनाओ और आप लीव ले सकते हो, अभी आपका लेक्चर शायद लिंक आ चुकी है। हो गया, चलो लेक्चर खत्म करते हैं, बाय ऑल ऑफ यू।